अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं दीपांशी कक्षा सातवीं की छात्रा मातृ दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दोस्तों, माँ के प्यार को कुछ शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में माँ जैसा कोई भी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जाने कब मैं बड़ा हुआ। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ, जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार तेरा कैसा है, माँ प्यार तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। कैसा था नन्ना बचपन, वो माँ की गोद सुहाती थी, देख देख कर बच्चों को वो फूला नहीं समाती थी, देख देख कर बच्चों को फूला नहीं समाती थी। जरा सी ठोकर लग जाती तो दौड़ी हुई आती थी, जख्मों पर जब दवा लगाती आंसू अपने छुपाती थी। जब बच्चे जिद करते तो प्यार से वो समझाती थी, जब बच्चे रूठे उनसे माँ उन्हें मनाती थी। खेल खेलते जब भी कोई वो भी बच्चा बन जाती थी, सवाल अगर कोई न आता तो टीचर बन के पढ़ाती थी। सबसे आगे रहे हमेशा, आज सदा ही रहती थी, हाँ सबसे आगे रहे हमेशा, आज सदा ही रहती थी। तारीफ अगर कोई भी करता तो गर्व से वो इतराती थी। होते अगर जरा उदास हम दोस्त तुरंत बन जाती थी, हंसते रोते बीता बचपन, माँ ही तो बस साथी थी। माँ के मन को समझ न पाए हम बच्चों की नादानी थी, जीती थी बच्चों के खातिर, माँ की यही कहानी थी। धन्यवाद।